जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। चले एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल संजय मातो ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था फिजिकल से रिलेटेड में कि रनिंग से पहले क्या क्या करने पड़ेंगे और रनिंग के बाद में क्या क्या करने जो है पड़ेंगे। तो लीजिए, आप सबों के डिमांड पर ही जो मैंने आज का टॉपिक बनाया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के लेटेस्ट टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, उसी के बगल में बेल आइकन घंटी के निशान का उसको प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, बिना समय के आज का टॉपिक शुरू करते। तो सबसे पहला कॉमेंट किन्हीं बहन जी ने किया है, क्या सर लड़का और लड़की यानी मेल और फीमेल का रनिंग जो है एक साथ एक ही फील्ड में होगा या फिर अलग अलग। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर ऑन फील्ड रनिंग होता है यानी ग्राउंड में आपका रनिंग होता है, तो जिस टाइम हम लोगों का रनिंग हुआ था 2015 बैच का, तो उस टाइम क्या था, लड़का और लड़की का एक साथ जो एक फील्ड में एक समय में जो है रनिंग कराया जा रहा था। यानी आपका टाइम, आपका जैसे कि 40 मिनट आपको 5 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं लड़की फीमेल को, और जो है मेल को जो है यानी पुरुष को जो है 10 किलोमीटर रनिंग आपको एक घंटे में पूरे करने हैं। तो और आपको जो है लड़का को जो है आपका समय आपको दिया जाएगा, उस समय के अंदर निर्धारित समय में आपको जो है 10 किलोमीटर और लड़की को जो है यानी फीमेल को जो है 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने हैं। यानी ऑन फील्ड दोनों का एक साथ जो है रनिंग लिया जाएगा। अगर उस नियम से दौड़ होती है जिस टाइम पहले 2017 बैच का हुआ था, तो दोनों का जो है मेल और फीमेल का रनिंग एक साथ लिया जाएगा, एक साथ एक समय में। तो चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है फिजिकल के समय लेके जाने होते हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, 10th का जैसे कि एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम लिखे थे 10th का, मार्कशीट प्रोविजनल या फिर मेन, दोनों में से किसी एक को आपको लेके जाना है। तो उसके बाद ये तो रहा 10th का डॉक्यूमेंट। 10th के बाद आपका आईडी प्रूफ में एक आधार कार्ड ले लेना है, और जो है जेएससी का जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दिया जाएगा फिजिकल के लिए, वो आपको लेके जाने हैं। और जो है जाति और आवासीय, यही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ओरिजिनल, सारे के सारे ओरिजिनल आपके जांच किए जाएंगे फिजिकल के समय भी। तो चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी जो शारीरिक जांच परीक्षा ली जाएगी यानी हाइट वेट चेस्ट, ये रनिंग से पहले होगा या फिर रनिंग के बाद। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी हाइट वेट चेस्ट का नाम लिया जाएगा, वो आपका रनिंग के बाद जो है लिया जाएगा, रनिंग से पहले आपका नहीं लिया जाएगा। रनिंग जब आप पास करोगे उसके बाद जो है आपका हाइट वेट चेस्ट का नाप लिया जाएगा। तो चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर कैसे पता चलेगा मैं फिजिकल यानी रनिंग पास हूँ या फिर फेल। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए वहाँ पर सिस्टम जो लगे हुए रहते हैं, आपका एक राउंड कितना मिनट में, ये दो राउंड कितना मिनट, तीन राउंड कितना, चार राउंड, 25 राउंड आपने कितना मिनट में कंप्लीट किया, उसका जो आप अगर फेल होते हो तो आपका एक पुर्जा यानी लिस्ट निकाल के दे दिया जाएगा। जो जो फेल अभ्यर्थी होते हैं उनको जो लिस्ट निकाल के दे दिया जाएगा, आप इतना समय में जो है एक घंटे में 10 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप फेल हुए हो या पास, रनिंग के बाद पता चलता है। तो चलिए, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर रनिंग जो है फील्ड में होगा या फिर रोड में। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो रनिंग होगा वो ऑन फील्ड होगा। ऑन फील्ड में आपके जो सिस्टम लगे हुएंगे, आपको अगर 400 मीटर का ट्रैक रहेगा तो आपको 25 चक्कर लगाने हैं बॉयज यानी मेल को, और फीमेल यानी 5 किलोमीटर आपको फीमेल को जो है आपको 40 मिनट में आपको 12.5 चक्कर राउंड लगाने हैं ऑन फील्ड यानी ग्राउंड के अंदर आपको चक्कर लगाने हैं ट्रैक में। तो चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर मेरा चेस्ट जो है कम है, चेस्ट जैसे कि जनरल ओबीसी में 81 सेंटीमीटर नॉर्मल में मांगा जाता है, तो मेरा 81 नहीं है, कुछ कम है। तो देखिए, अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दें, थोड़ा पुशअप करें, पुशअप 30 से 40 बार आप पुशअप करें, उसके बाद अगर हो सकता है तो आप थोड़े बाद जिम भी कर सकते हो, वर्कआउट जिम जाके कर सकते हो, ताकि आपका चेस्ट जो 81 मांगा जाता है थोड़ा बहुत कम रहे तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, अब आप जो है पुशअप मारिए, फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर क्या उत्पाल सिपाही में हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक ये सब होगा या फिर नहीं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, उत्पाल सिपाही एक्साइज कॉन्स्टेबल में सिर्फ आपका 10 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल का, और फीमेल का जो है 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। इसके अलावा और पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको किसी तरह का टेस्ट नहीं देना है। तो मैं इस टॉपिक पे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि उत्पाल सिपाही में सिर्फ आपका जो है 10 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल का एक घंटे में, और फीमेल का जो है 5 किलोमीटर का रनिंग आपको 40 मिनट में पूरे कर रहे हैं। इसके अलावा और पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको किसी तरह का टेस्ट नहीं देना। तो चलिए, अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर जो स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी आएगा
तो उसमें रनिंग कितना रहेगा। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो स्पेशल ब्रांच यानी विशेष शाखा सिपाही का जो भर्ती होगा बहुत जल्द उसका भी आवेदन विज्ञापन निकलने वाला है, तो उसमें आपका फिजिकल रहेगा 10 किलोमीटर का रनिंग। जो उत्पाद सिपाही में पीटी का टेस्ट लिया जा रहा है 10 किलोमीटर का रनिंग, वही आपका सेम टू सेम रहेगा स्पेशल ब्रांच कॉन्स्टेबल यानी विशेष शाखा सिपाही में। तो चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे, उसी के बगल में बेल आइकन घंटी का निशान होगा उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले इस तक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और भी इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक में आप सबों के लिए ला सकूं। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला कमेंट किसी भाई ने किया था कि सर 2019 में जो स्पेशल ब्रांच वैकेंसी आया था उसमें हम सबों ने अप्लाई किया था, बट इस बार जो निकलेगा उसमें एज अगर क्रॉस हो गया पार हो गया तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं। काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2019 में अगर आपने अप्लाई किया था स्पेशल ब्रांच सिपाही यानी विशेष शाखा सिपाही, अगर आपने अप्लाई किया था 2019 भर्ती में, तो आपका अगर एज पार हो चुका है तो फिर भी आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो न्यू वैकेंसी आएगा उसमें आप जो अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर स्पेशल ब्रांच कॉन्स्टेबल यानी विशेष शाखा का जो सिपाही का पोस्टिंग कहाँ होगा। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप विशेष शाखा सिपाही ज्वाइन करते हो, स्पेशल ब्रांच कॉन्स्टेबल ज्वाइन करते हो, तो आपका पोस्टिंग 80% चांस है आपका राजधानी में ही लगेगा, यानी रांची में आपका जो है पोस्टिंग होगा, 80% चांस बनता है। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे भाई को अभी भी डाउट है कि क्या कार्य करने पड़ते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सिस्टम में बैठने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बैठने हैं कंप्यूटर में, और जो है आपको ऑफिशियल वर्क करने हैं, जो आपका ऑफिस का कार्य रहता है ऑफिशियल वर्क, वो कार्य आपको करने हैं, यानी स्पेशल ब्रांच का वर्क जो है वो स्पेशली जो है ऑफिशियल वर्क है। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला कमेंट जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी जो नियोजन नीति बनाया गया है उसमें अगर आप झारखंड के हो, यहाँ के स्थानीय निवासी हो, तभी आप जो अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये उसमें भी कुछ नियम बनाए गए हैं, अगर आपने अदर स्टेट से पढ़ाई की हो, दूसरे राज्य से पढ़ाई किए हो, यहाँ के कैटेगरी में आते हो, अगर जैसा कि ST SC OBC में अगर आप आते हो, अगर अदर स्टेट से पढ़ाई किए हो, तो आप जो अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, दूसरे राज्य में अगर पढ़ाई की हो तो आपका जो जाति और आवासीय झारखंड का चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब आप सबों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, अदर स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। अगला कमेंट किसी भाई ने किया है कि सर मेरा एज जो है पार हो चुका है, मैं क्या करूं। तो मैं बता देना चाहता हूं, देखिए वो तो नियम, जितना भी नियम है झारखंड सरकार राज्य सरकार बनाती है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ सरकार से डिमांड कर सकते हैं सर एज में बढ़ोतरी की जाए, बाकी वो सरकार के डिपेंड है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो एज में बढ़ोतरी करे या फिर ना करे। लेकिन मैं फिर भी झारखंड सरकार से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आया होता, एक तो 2 साल से कोरोना से झेल रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी का एज जो है क्रॉस हो चुका है, अप्लाई भी नहीं कर पाए। तो इसको देखते हुए झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि एज में छूट देनी चाहिए, ताकि जिन जिन भाइयों का एज पार हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, वो भी अप्लाई कर सके और अपना जो है करियर बना सके। तो चलिए, काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, मैं ऐसा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बगल में बेल आइकन घंटी के निशान होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले इस तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।